नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से एक बार अपने चैनल दिव्य दक्ष साइंस ट्यूटोरियल पे एक टॉपिक जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कहाँ पे क्या यूज होता है उसको लेकर मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। इसको बारीकी से देखिएगा। ये इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जान चुके थे। आज हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कहां कहां पे इसका यूज किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग कुछ ना कुछ पहले से भी ये डीएनए के बारे में, उसके फिंगरप्रिंटिंग जो है इसके बारे में पेपर के माध्यम से हो या और संसाधन माध्यम से हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग व्यवस्थित गहराई से चलेंगे। तो इसमें जो है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इसका उपयोग जो होता है एफएसएल फोरेंसिक साइंस लैब में अपराधी को पहचानने में किया जाता है। जब वो अपराधी किसी व्यक्ति को मर्डर करके वो निकल जाता है, या मान लिया जाए कि हम ये कोई व्यक्ति जो है वो 10 के समूह में एक रूम में एक जगह व्यवस्थित रहते हैं और ये 10 में से एक व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, एक व्यक्ति सिर्फ एक, तो इस पे थोड़ा सा मैटर अनसुलझा रहता है कि ये रूम में ये कैंपस में 10 व्यक्ति ही हैं, कोई बाहरी व्यक्ति आया नहीं, ये कैंपस टाइम से अपना बंद हो जाता है, खुल जाता है, तो फिर ये रात्रि हो या दिन हो इसको मारा कौन? तो ये कहीं ना कहीं शक जाता है, ये 10 में से जो एक मर गया तो ये तो 9 बचा इसी पर। अब ये 9 जो है वो कहता है कि हम नहीं, और वहाँ कुछ ऐसे होता है, किसी का रुमाल छूट गया, कपड़ा या जो छुरा से चाकू से वो मारा गया है उस पर ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वो निशान आ जाता है, जैसा कि पहले की वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि कुछ ना कुछ निशान आता है। तो इसके आधार पर एक्सपर्ट तो ये पुलिस प्रशासन तो उस समय तत्काल गहन जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन उनसे पता नहीं चलता है, लेकिन जो सामान जहाँ पे हत्या हुआ है वहाँ पे जो उपलब्ध होता है उसे लेके वो फॉरेंसिक साइंस लैब में ही भेजते हैं, वहाँ से पता चलता है कि इस व्यक्ति को किसने मारा, और इसमें ये 9 व्यक्ति जो है इसका भी पहचान किया जाता है। तो इसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। दूसरी चीज़ है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है जुड़वा बच्चा को छोड़कर डीएनए की जो संरचना होती है किसी भी व्यक्ति में, किसी भी दो व्यक्तियों में वो एक जैसा नहीं होता है। अब इसका रीजन है, ये दो व्यक्ति हो या हजार व्यक्ति हो, वो दो टाइम में जन्म लेते हैं और हजार टाइम में अलग अलग आते हैं, तो उस समय जो लिंग निर्धारण जिस समय होता है तो उस समय क्या होता है, डीएनए जो होता है जो एक सूचना जो इन्फॉर्मेशन जो वो बनाता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से क्या होता है कि वो जेनरेशन में फर्स्ट जेनरेशन में आते हैं, फिर वही दंपति सेकेंड बच्चा को जन्म देता है तो फिर वो दूसरा डीएनए, दूसरा मैसेज, दूसरा इन्फॉर्मेशन बनाता है तो वो सेकेंड टाइम में आता है। तो ऐसा देखा गया है कि उच्च श्रेणी के जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो अधिकांशतः उनमें ये विभिन्नता होती है ये रिप्रोडक्शन के माध्यम से, और उस समय क्या होता है डीएनए अलग अलग सूचना बनाता है, प्रदान करता है। लेकिन जुड़वा बच्चा जो है, ये जुड़वा बच्चा वो तो वन टाइम्स में ही वो आ जाते हैं, और हम लिंग निर्धारण में ऑलरेडी जान चुके हैं कि माँ का जो क्रोमोसोम जो होता है XX और पिता का जो होता है XY, तो ये XY जो है ये इस पे पूर्ण रूप से हावी रहता है, इसी का कारण है कि यहाँ पे संतान जो होगा ये दोनों के मिलन से यहाँ पे लड़का होगा या लड़की, तो ये पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर है। तो Y क्रोमोसोम से हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि ये
वाई क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम से हम लोग जान चुके हैं कि जब ये दोनों क्रॉस करता है तो लड़का होगा कि लड़की। उसी तरह ये एक्स और ये एक्स जब आपस में क्रॉस करते हैं तो वो लड़की होता है। तो पूर्ण रूप से ये पिता का जो क्रोमोसोम है वो मदर्स के क्रोमोसोम पे हावी रहता है। तो इसमें जो डीएनए जो है, तो मान लिया जाए कि एक समय में ये दो बच्चा हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है जो ये लाखों में, ये अपवाद में है, लाखों में एक ऐसी संभावना होता है जो जुड़वा बच्चा होता है। तो उस समय जो एक क्रोमोसोम जो होता है, एक क्रोमोसोम वो क्या करता है, डबल अंडाणु को, ये मान लिया जाए कि ये क्रोमोसोम है, तो ये एक के अलावा दूसरे अंडाणु को भी क्या करता है, निषेचित कर देता है। तो वहाँ पे जाके डबल अंडाणु का जब निषेचन हो जाता है तो वे जुड़वा बच्चा हुआ। लेकिन कब हुआ, ये तो एक ही क्रोमोसोम से हो रहा है। तो उस समय क्या होता है कि यही गुण जो डीएनए इसमें बनाया वही दोनों में आया, तो इसलिए उसमें समरूपता आ जाता है, समानता आता है। तो जुड़वा बच्चा को छोड़ के यदि डीएनए की यदि संरचना किसी भी दो व्यक्ति में देखा जाए तो वो क्या होता है, अलग अलग होता है। मृत व्यक्ति, मृत आदमी की सही जानकारी उनके मृत अंगों, मृत अंग के डीएनए संरचना के द्वारा पहचान किया जाता है। और मान लेते हैं कोई फैक्ट्री है या कोई जगह है, वो फैक्ट्री में आग लग जाता है और वो बॉडी इस तरह से जल जाता है जिसे हम बाहरी रूप से नहीं पहचान कर सकते हैं, तो उसके अंग जो है वो अंग से सैम ये नमूना लिया जाता है और उसके पेरेंट्स जो संभावित जो होते हैं वो कहते हैं कि इसमें मेरा भी ये संतान था, तो उनसे भी लिया जाता है। और वो दोनों को जब मैचिंग कराया जाता है तो जो जिसके साथ वो सही मिलान करता है उसे उस बॉडी को सौंप दिया जाता है। आगे है, किसी संतान के सही माता पिता की पहचान भी जो होता है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के विधि के द्वारा ही किया जाता है। मान लिया जाए कि कभी वो बच्चा गुम हो जाए, कभी ये राइट उखर जाए मारपीट का और उसमें वो व्यक्ति भागदौड़ की ज़िंदगी में वो भागता है और वो क्या होता है कि उसका बच्चा यदि छूट जाए किसी समय पे वो मिले, और ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति का वो बिछड़ता है बच्चा, अनगिनत व्यक्ति का भी बिछड़ जाता है। या मान लिया जाए कि किसी का बिछड़ा ही नहीं और वो निसंतान है, वो रोज झूठ बोल दे कि ये मेरा ही बच्चा है, तो उस स्थिति में विज्ञान बच्चा है एक और लेने वाले हैं अनेक, तो ये इसी के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही सहारा लेता है। आगे है, कोर्ट में पैतृक निर्धारण के मामले में भी इसका यूज किया जाता है। कोर्ट, मान लिया जाए कि ये सामाजिक स्तर पर ये बात बिगड़ता है, नहीं रुकता है और ये कोर्ट में जाता है, कोई व्यक्ति अपने बेटा को या बेटी को स्वीकार करने में असमर्थ है, हालांकि वो संतान जो है उसी व्यक्ति का है लेकिन वो स्वीकार करने में असमर्थ है क्योंकि वो अनलीगल संतान था दोनों की, और वो महिला चाहती है कि अब हम इसके साथ रहें, मेरा बच्चा भी रहे तो यहाँ पे ये मामला जब आपस में नहीं सलटता है तो वो महिला और बच्चा यदि कोर्ट की दरवाज़ा पे जाता है, जाती है, तो वहाँ पे ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही सहारा लिया जाता है और वो बच्चा को और वो व्यक्ति का डीएनए टेस्ट लिया जाता है। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में जान चुके हैं, वो सैंपल जो है ब्लड भी हो सकता है, रुधिर, त्वचा, नाखून, बाल, अंडाशय, सीमेन, बहुत सारी सैंपल ले सकते हैं, तो उससे वो पहचान किया जाता है। जब मिल जाता है तो क्या होता है, उस व्यक्ति को, इस बच्चा को अपनाना पड़ता है। आगे है, मानव जीनोम के जीनेटिक नक्शा, आनुवंशिक नक्शा जो होता है उसको तैयार करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसके अलावा और सारे जगह पर यूज किया जाता है। इसकी तत्काल यदि ब्रांच देखा जाए तो अभी हैदराबाद में भी है, इससे पहले सर्वप्रथम ये मद्रास में था, उसके बाद ये इसकी एक शाखा जो आ गई है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जांच करने का वो हैदराबाद में है, और ये फॉरेंसिक
बंगाल में है, और ये सब तकनीक की विधि द्वारा जो भी वो चेक किया जाता है, ये सब थोड़ा सा महंगा प्रोसेस है और कठिनाई भरा है। तो ये था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का किस किस क्षेत्र में कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जाने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।